अस्सलामु अलैकुम मौजी सामीन, पेशे खिदमत है एम ए राहत का मशहूर नावल काला जादू, जिसे मैं आपके सबके सामने पेश कर रही हूँ काली शक्ति के नाम से। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे नावल आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। वो जाग रहा था, मुझे देख रहा था, इसकी आंखों में नफरत की चिंगारियाँ सुलग रही थीं। वो शदीद नफरत से मुझे देख रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने करवट बदल ली, और अब अक्सर ऐसा होता है, मैं रातों को इससे डर जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? पागलपन की बातें कर रही हो? अपने बच्चे के बारे में तुम ऐसा सोच रही हो? आह, मैं क्या करूँ, इतना खुद को समझाती हूँ, मगर न जाने क्यों ये सब कुछ दिमाग में आता रहता है। आप खुद देखते हैं, वो सबसे बोलता है, सबसे बातें करता है, मगर हमसे कितना कम बोलता है वो। बस अब इस पागलपन के ख्यालों को दिल से निकाल दो, 12 साल के बाद हमारी मुराद पूरी हुई है। और तुम? वो खामोश हो गई, मगर मियाँ साहब, उस दिन से मैंने भी अपने बेटे की हरकत नोट करना शुरू कर दी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी सच कहती है, शानी ऐसा ही है। वो किसी बात पर हंस रहा होता तो हमें देखकर खामोश हो जाता, वो यकीनन हमें नापसंद करता था। बड़ी अजीब बात थी, नाकाबिल यकीन, नाकाबिल समझ, इसे स्कूल में दाखिल करा दिया गया। बज़ाहिर वो नॉर्मल था, बस हमारे साथ उसका रवैया ऐसा था। 5 साल का हो गया, वो मेरी बीवी बदस्तूर इसी कैफियत का शिकार थी। कोई 1 साल की बात है, मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी, अंदरूनी मुल्क के एक देही इलाके में रहते थे उसके वालदैन। मेरा दोस्त शहर में मुलाजमत करता है, इसने बहुत पीछे पड़कर मुझे और मेरी बीवी को बहन की शादी में शिरकत के लिए आमादा कर लिया, और हम वहाँ पहुँच गए। मैंने सोचा कि अच्छा है, मेरी बीवी बहल जाएगी। हम वहाँ जाकर खुश हुए थे, हमारा बेटा भी हमारे साथ था, वो वहाँ बच्चों में घुल मिल गया। शादी के हंगामे हो रहे थे, एक दिन 14-15 साल की एक हिंदू लड़की मेरे बेटे के साथ आ गई, वो इसे घर छोड़ने आई थी। ये कौन है, मैंने अपने दोस्त से पूछा। जमुना दास की बेटी है, जमुना दास पीछे रहते हैं हमारे, मेरे दोस्त ने जवाब दिया। भगोती हमारे घर था चाचा, आप कहो तो हम उसे साथ ले जावे, रात को पहुँचा देंगे, लड़की ने कहा। कौन भगोती, मेरे दोस्त ने हैरत से पूछा। ये और कौन, लड़की ने जवाब दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा, ये तो मेरा भतीजा है, शानी नाम है इसका। तो हम कब मना कर रहे हैं चाचा, ले जाएं इसे साथ, लड़की बोली। नहीं, जाओ, भाग जाओ, मेरा दोस्त गुस्से में बोला। जाने दो चाचा, मासी सुधावती इसे देखकर बहुत खुश हो रही है, जाने दो ना, लड़की ने जिद करनी शुरू कर दी। नहीं प्रेमा, फिर आ जाएगा, अब तुम जाओ, जाओ शाबाश, ये मेहमान है, यहाँ के रास्ते नहीं जानता। मुझे सारे रास्ते आते हैं, शानी ने गुस्से से कहा। नहीं बेटे, जिद नहीं करते, जाओ लड़की, फिर आ जाएगा ये तुम्हारे पास, मैंने कहा, और लड़की आजुर्दा होकर वापस चली गई। ये क्या नाम ले रही थी इसका, मैंने कहा, पता नहीं क्या किस्सा है। मेरे दोस्त को घर में बुला लिया गया, इसलिए बात ख़त्म हो गई। मैंने महसूस किया कि शानी का मूड भी ख़राब हो गया है, इसने किसी से बात नहीं की थी। दूसरा दिन शादी का था, मैं भी अपने दोस्त के साथ तैयारियों में मसरूफ था, बारात आने वाली थी। कोई 4 बजे मेरी बीवी निकल आई, उसने कहा, शानी ने खाना खाया, सुबह से खेलता फिर रहा है, कहाँ है वो? क्या, मैं उछल पड़ा, मैंने खुद उसे सुबह से नहीं देखा था, क्या वो अंदर नहीं आया? सुबह से अंदर नहीं आया, ठीक है आ जाएगा, अभी आता है, मैंने कहा। हालांकि मेरा दिल खुद हौल गया था, मैं घबराया हुआ अपने दोस्त के पास गया और उसे ये माजरा सुनाया। वो बेचारा खुद शामियाने वगैरह लगवा रहा था, मगर फौरन मेरे साथ भागा। फिक्र मत करो, मिल जाएगा, सब जानते हैं कि वो शादी में आया है, जो इसे देखेगा वो इसे यहाँ ले आएगा। ओह, आओ जरा मेरे साथ। मेरे दोस्त को जैसे कुछ याद आ गया, वो घूमकर पिछले इलाके में आ गया। एक मैदान सा था जिसके दूसरे सिरे पर मकानात नजर आ रहे थे। एक मकान के सामने रुक कर मेरे दोस्त ने दरवाजे की जंजीर बजाई और एक आदमी बाहर निकल आया। क्या बात है भैया, सब ठीक है ना? कोई ज़रूरत है हमारी? बस तैयार हो जाएं जमुना दास जी, बारात ठीक वक्त पर आ जाएगी। वो कोई बच्चा तो नहीं आया यहाँ, कल प्रेमा के साथ था। भग, जमुना दास जी कुछ कहते कहते रुक गए। मैं और मेरा दोस्त चौंक कर उसे देखने लगे। वो जल्दी से बोला, प्रेमा के साथ था सुबह से, सधावती के पास बैठा है, मैं बुलाकर लाऊं, किसका छोरा है वो? मेरा भतीजा है, भगवान के खेल न्यारे होते हैं, अभी भुला कर लाता हूँ, जमुना दास आगे बढ़ गया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जमुना दास भी शानी को भगवती कहते कहते रुक गया है। कोई बात समझ भी नहीं आ रही थी,
कोई तीन घर छोड़कर वो एक बोसीदा से मकान में दाखिल हो गया और कोई 30 सेकंड के बाद ही शानी को साथ लिए बाहर आ गया। उसके पीछे प्रेमा भी थी और इन तीनों के पीछे एक औरत बाहर निकली थी। मैली कुचैली साड़ी में मलबूस, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर वहशत, रंग पीला पड़ा हुआ। मैंने आगे बढ़कर शानी का कान पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है, तुम सुबह से गायब हो। शानी ने एक निगाह मुझे देखा, वही नफरत भरा अंदाज था। इसने मुंह से कुछ न बोला। मैं इसे साथ लिए आगे बढ़ा तो वो दीवानी औरत भी हमारे पीछे चल पड़ी। जमुना दास ने आगे बढ़कर इस औरत का बाजू पकड़ लिया। ना सधु, ना मेहमान है, जाने दे, अपने घर जाएंगे। वो मैली कुचैली औरत ने उंगली शानी की तरफ उठाते हुए कहा। इसके अंदाज में बड़ी बेबसी, बड़ा प्यार, बड़ी हसरत थी। मैं अपने दोस्त के साथ शानी को लिए हुए यहाँ से आगे बढ़ गया। मेरा दोस्त भी खामोश था और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शानी को मैंने अपनी बीवी के पास पहुंचा दिया। वो रास्ते भर कुछ न बोला, न जिद की थी न मचला था, लेकिन इसके अंदाज से नफरत का इजहार बदस्तूर हो रहा था, जो इसकी फितरत का एक हिस्सा नजर आती थी। बारात के हंगामे थे और मैं कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता था जिससे यहाँ किसी और किस्म का एहसास पैदा हो। चुनाची मैंने खामोशी ही इख्तियार किए रखी, जहाँ तक हो सका अपने आप को बारात के सिलसिले में जरूरी कामों में मसरूफ रखा। अलबत्ता अपनी बीवी को मैंने हिदायत कर दी कि शानी को अपनी निगरानी में रखे और बाहर ना निकलने दे, लेकिन मेरा दिमाग तजस्सुस से फटा जा रहा था। कोई बात जो समझ में आ रही हो। बिल आखिर बारात आ गई। निकाह का वक्त करीब आ गया। ये लोग यहाँ के कदीम रहने वाले थे। हिंदू और मुसलमान सभी एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। मैंने जमुना दास को देखा, धोती और कुर्ते में मलबूस, महफिल में मौजूद था और मेहमानों से गुफ्तगू कर रहा था। दफतन मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना जमुना दास से इस बारे में बात की जाए, खामोशी से मालूमात हासिल करूं, हो सकता है कुछ पता चल जाए। कुर्सियां बिछी हुई थी, सारे काम खुश असलूबी से चल रहे थे। चुनाचे मैं जमुना दास के पास जा बैठा। वो मुझे पहचान गया था। मैंने उससे कहा, इस वक्त तो आपसे बात ही ना हो सकी जमुना दास जी, मेरे दोस्त ने बताया है कि आप तो इनके बड़े पुराने पड़ोसी हैं। हाँ भैया जी, जीवन मरण का साथ ही रहा है हमारा, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं ये। और फिर बेटी की शादी तो यूं समझो पूरी बस्ती की बेटी की शादी होती है। हमें अफसोस है कि हमने इस शादी में कुछ भी नहीं किया। आप जैसे अच्छे लोग बड़े खुश नसीबों को मिलते हैं, सब लोग तारीफ कर रहे थे आपकी जमुना दास जी। अरे भैया, हम क्या और हमारी औकात क्या, बस जो खुद अच्छे होते हैं वो दूसरों को अच्छा समझते हैं। जमुना दास जी, प्रेमा आपकी बेटी है? मैंने यहाँ से गुफ्तगू का आगाज किया। आप ही की बच्ची है भैया जी? बड़ी अच्छी बच्ची है, मेरा बेटा तो इसे बहुत ज्यादा मानूस हो गया है। वैसे जमुना दास जी, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आपने मेरी बेटी को भगवती कहकर कैसे पुकारा, ये बड़ी अजीब बात है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जमुना दास ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर बेढंगे अंदाज में हंसने लगा। वो भैया जी, बस एक जरा सा खेल है भगवान का, कोई क्या कर सकता है। मुझे इस बारे में बताएंगे नहीं जमुना दास जी? अरे हाँ हाँ, काहे ना। वो दरअसल भैया जी, तुम्हारा छोरा सदावती के छोरे भगवती दास की शक्ल का है, बिल्कुल वैसा। बेचारी सदावती विधवा थी, बरसों से यहाँ रहती है। इसका पति कारखाने में काम करता था, भट्टी में गिर पड़ा और जीते जी भस्म हो गया। एक ही छोरा था सदावती का, जिसका साथ जीवन बिता रही थी। घरों के काम धंधे करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी कि बेचारी के साथ एक अजीबोगरीब हादसा हो गया। वैसे भी भैया जी, बेचारा भगवती दास हमारी बिटिया प्रेमा की उम्र का था, एक ही दिन पैदा हुए थे वो और प्रेमा, और फिर पड़ोसी होने के नाते दोनों ने साथ साथ जीवन शुरू किया और दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भगवती दास खेतों पर गया हुआ था कि गायब हो गया। फिर भैया वो नहीं मिला, बेचारी सदावती पागल हो गई अपने छोरे के गम में। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, आदमियों ने जगह जगह तलाश किया पर भगवती दास कहीं नहीं मिला। कोई 5-6 साल पुरानी बात है, बस यूं समझ लो कि उसके बाद बेचारे भगवती का कुछ पता नहीं चला। ये तुम्हारा छोरा जो है ना भैया, ये बिल्कुल भगवती की सूरत का है। प्रेमा इसे देखकर पागल हो गई थी और भगवती भगवती कहती चढ़ दौड़ी थी। मगर वो भगवती कहाँ, वो 5 का होगा ज्यादा से ज्यादा, जबकि भगवती अगर होता तो 15-16 साल का होता। 11 साल की उम्र में गायब हुआ था बेचारा भगवती, भगवान जाने कौन ले गया इसे, कहाँ चला गया। ये है भैया तुम्हारे छोरे को भगवती कहने की कहानी, और यह है बेचारी सुधावती के पागलपन की दास्तान, जमुना दास ने बताया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, एक अनोखा खौफ मेरे रगों पे में जागुजी हो गया। बारात के हंगामे जारी थे
मगर मेरा बदन ठंडे ठंडे पसीने छोड़ रहा था। 5-6 साल पहले भगूती गायब हुआ था। काले जादू के माहिर ने एक 11 साला बच्चे की अगवा की कहानी सुनाई थी, जिसकी कुर्बानी देकर हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो सकती थी। हमने उसे रकम अदा की थी और उसने हमारा काम किया था। शानी भगोती की सूरत था, 5 साल का है वो, 6 साल पहले भगोती अगवा हुआ था। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, वाकयात की कड़ियाँ मिलती जा रही थी। वो काले जादू का खेल जिसकी बिना पर शानी वजूद में आया, अब अपना असर दिखा रहा था। काला जादू सिर्फ इतना ही नहीं था कि हमारे यहाँ औलाद पैदा हो जाए, इसके असरात अब हम पर नमूदार हो रहे थे। शानी हमारा अकलौता बच्चा, मन्नत व मुरादों से पैदा होने वाला भगोती की शक्ल का था। मेरे खुदा, मेरा बदन शदीद वहशत का शिकार हो रहा था और मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या है। क्या भगोती की रूह शानी में हलूल कर गई है या शानी भगोती का नया रूप है? मुसलमान होने की हैसियत से ये सब कुछ मेरा दिल कबूल नहीं करता था, लेकिन जो कुछ था हमारे सामने था और मैं इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता था। गर्ज ये कि बारात रुखसत हुई, मेहमान चले गए, रस्मी तौर पर मुझे भी विदाई में हिस्सा लेना पड़ा। दोस्त की बहन का मामला था, खुद को अलग कैसे रख सकता था। दूसरे दिन सुबह ही सुबह मेरी बीवी ने वापस चलने की तैयारियां शुरू कर दी, हालांकि मेरा दोस्त अभी यहाँ कई दिन कयाम करना चाहता था। ये वादा करके लाया था मुझे कि मैं कई दिन तक इसके साथ रहूंगा, शादी के बाद के हंगामों में भी हिस्सा लूंगा, लेकिन अब इसकी गुंजाइश कहाँ रह गई थी। मेरा दिल तो खौफ व दहशत का शिकार था। इधर मेरी बीवी भी बुरी तरह वापस चलने की रट लगाए हुए थी। सभी ने उसे समझाया लेकिन वो ना मानी, और बहालत मजबूरी मेरे दोस्त ने भी इजाज़त दे दी। मैं खुद भी वहां से भाग जाना चाहता था। जो कुछ मुझ पर बीत रही थी मेरा दिल ही जानता था। फिर हम अपने शहर वापस आ गए, शानी हमारे साथ था। मेरी बीवी तो इससे खौफजदा रहती ही थी, लेकिन अब मेरी भी कैफियत इससे मुख्तलिफ नहीं थी। मैं चोर निगाहों से शानी को देखता तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत रची हुई पाता, जैसे वो हमारे अमल से शदीद नफरत करता हो। फिर एक दिन वहां से वापसी के कोई एक हफ्ते बाद की बात है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, एक बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? वहाँ जहाँ हम शादी में गए थे मैंने एक अजीब बात सुनी है। आपको खुदा का वास्ता, इस बात को मजाक में न टालिए, मेरी तो हालत खराब से खराब तर होती जा रही है। कुछ कीजिए, कुछ करना पड़ेगा, हमें समझ भी नहीं आता क्या करें। बात क्या है? वहाँ शानी के बारे में तबसरे हो रहे थे। सुधावती नाम की कोई औरत है, इसका बच्चा जिसकी उम्र 11 साल थी 5-6 साल पहले अगवा हो गया था। इसका नाम भगोती था और वो बिल्कुल शानी की सूरत था, बिल्कुल शानी की सूरत। मैं आंखें फाड़कर उसे देखता रह गया। मेरा ख्याल था ये कहानी मेरे ही जहन में महफूज है, लेकिन औरतें वाला कहाँ चूकती, उसे भी ये कहानी मालूम हो चुकी थी। ताहम मैंने इससे लाइलमी का इजहार करते हुए कहा, गोया तुम अब एक नई कहानी का सहारा लेकर मुझे परेशान करोगी। मेरी बीवी जारो कतार रोने लगी। उसने कहा, आप मुझसे परेशान हो गए हैं? हाँ हो गया हूँ, बिल्कुल हो गया हूँ। पहले तुम्हें बच्चे की ख्वाहिश ने दीवाना कर दिया था और अब तुम सब कुछ करने पर आमादा हो गई थी, और अब इस नई कहानी से तुम ना सिर्फ खुद पागल हुई जा रही हो बल्कि मुझे भी पागल किए दे रही हो। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जवाब दो। खुदा के लिए कुछ कीजिए, इस काले जादू के माहिर से मिलिए, इससे कहिए कि अब हम क्या करें और ये सब क्या है, क्या कुछ हो सकता है, हम तो काले जादू के चक्कर में फंस गए हैं। ठीक है, काले जादू के माहिर से मिलूं और इसके बाद कोई नया जादू करा के ले आऊं, यही चाहती हो ना तुम? तो फिर क्या होगा, शानी हमसे नफरत करता रहेगा, हमारा इकलौता बच्चा, इसके सिवा हमारा कोई और है भी नहीं। मेरी बीवी जारो कतार रोती रही, मेरे पास इन आंसुओं का कोई हल नहीं था। वक्त आगे बढ़ता गया, शानी के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं हुई। अब वो अपनी माँ के पास सोता भी नहीं था, इसकी बेजारी, इसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। एक रात जब हम अपने बेडरूम में सो रहे थे कि अचानक मेरी बीवी दहशत भरे अंदाज में चीख पड़ी। इसकी भयानक चीखों ने मुझे भी दहशत का शिकार कर दिया। शानी अपने अलग बिस्तर पर सो रहा था, इन चीखों ने उसे नहीं जगाया था। बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी मुतदिल हुई, खौफ भरी नजरों से शानी को देख रही थी। ये जाग रहा है, मैं कसम खाती हूँ ये जाग रहा है, मुकर किए पड़ा है। अभी ये मेरे करीब था, मुझ पर झुका हुआ था, इसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। ये नफरत भरी निगाहों से मुझे देख रहा था, ये मुझे मारेगा, ये मुझे कत्ल कर देगा। दिमाग खराब हो गया है क्या अब तुम्हारा? बताओ क्या करूं, मैं इसे घर से निकाल दूं और क्या करूं? नहीं नहीं, वो मेरा बच्चा है, वो मेरी औलाद है।
मेरी बीवी सिसकियां भरने लगी, तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा और मियां साहब मुख्तसर ये कि मेरी बीवी आहिस्ता आहिस्ता जहनी तवाजुन खोने लगी, इस पर दीवानगी के दौरे पड़ने लगे और आज ये इस हाल को पहुंच गई है कि ये अपने बेटे को चाहती भी है, इससे दहशत ज़दा भी है। न जाने क्या क्या जतन किए मैंने, डॉक्टरों के पास भला इसका क्या इलाज है? मैं तो इतना बदनसीब हूँ कि किसी को असलियत बता भी नहीं सकता, किससे कहूँ कि एक बच्चे को कत्ल करके एक माँ की गोद उजाड़ कर हमने अपनी सूनी गोद भरी है। इस खानका की शोहरत मैंने सुनी है, बड़ी दूर से आस लेकर आया हूँ, खुदा के लिए हमारी मुश्किल का हल बता दे, खुदा के लिए। मैं दहशत से गुंग था, इकराम पत्थर बना हुआ बैठा था। बड़ी भयानक, बड़ी दहशतनाक दास्तान थी ये। बच्चा कहाँ है? नानी नाना के पास छोड़ आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? शेख मुगीसुद्दीन। सबसे पहले अपना नाम बदल दो। मेरे हलक से गुर्राहट निकली और वो ना समझने वाले अंदाज में मुझे देखने लगा। तन बदन में आग सी लग रही थी, सारी बुराइयां कर ली थी गमबख्तों ने, अपनी नापाक आरजू के हाथों निढाल होकर ईमान बेच दिया था और फिर बेहतरी के ख्वाहां थे। शदीद गिन आ रही थी मुझे इन दोनों से, वो मुशरिक थे। वो बोला, समझा नहीं मियां साहब, तुम्हें इस नाम को अपनाए रखने का कोई हक नहीं है, ये इस्लामी नाम है, मुतबर्रिक और काबिल एहतराम। मैं मुसलमान हूँ, वो बोला, शर्म नहीं आती ये कहते हुए? गौर नहीं किया अपने काले करतूतों पर? औरत तो नाकिसुल अक्ल होती है, तुम लोग इसे संभाल नहीं सकते? इस तरह कठपुतली बन जाते हो तुम इसके हाथों? इस कायनात का हर जर्रा मालिक कायनात के इशारे से जुम्बिश करता है। तुम्हारी तकदीर में औलाद होती तो तुम्हें जरूर मिलती, हो सकता है इसका वक्त मुकर्रर कर दिया गया हो। तुमने अपनी हविस के हाथों मगलूब होकर इस मर्दूद का सहारा लिया जिसे शैतान कहा जाता है। तुम्हारी अकल ने तुम्हें होशियार न किया कि तुम शैतानियत की तरफ बढ़ रहे हो? तुम्हें इल्म नहीं कि जादू कुफर है? इस शैतान ज़ादे ने तुमसे कहा कि तुम्हें औलाद के हुसूल के लिए एक इंसानी जान की कुर्बानी देना होगी, इसके बजाय कि तुम इसे संसार कर देते, तुमने इस अमल का इख्तियार दे दिया। वो शैतान ज़ादी अपनी गोद भरने के लिए एक और माँ की गोद उजाड़ने पर आमादा हो गई और तुम इसके हमनवा बने। तुमने अपनी आंखों से उस माँ को देख लिया जो औलाद के खो जाने से अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। कुदरत तुम्हारे काले करतूत तुम्हारे सामने लाई, मगर तुमने गौर न किया और अब तुम इस औरत के लिए बेहतरी चाहते हो। खुदा की कसम तुम बेदीन हो, तुम्हारा इस पाक मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रहा। रहम मियाँ साहब रहम, वो बोला, तुम मरदूद हो, काबिल सज़ा हो, लेकिन जजा और सज़ा का मालिक वो है जिसके हम बंदे हैं, तुम्हारा फैसला वही करेगा। अब मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ। क्या मियाँ साहब? ये जगह फौरन छोड़ दो, इससे कबल कि मैं दूसरों को इस पर आमादा करूँ तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो बड़ी आस लेकर आया था मियाँ साहब, तुम्हारी बीनाई छिन चुकी है, वो जिन्होंने तुम्हें बेलौस मोहब्बत दी, तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में अपनाया, तुम्हारे लिए कुछ ना रहे, वो काबिल नफरत जिसने बिलाखिर तुमसे तुम्हारा ईमान छीन लिया, तुम्हारे लिए आसमान हो गई। सुनो, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, अगर तुम्हें लम्हाती ऐशो इशरत मिल गई है तो इन्हें धोखा जानो, आने वाला वक्त तुम पर कठिन है। 11 साल पूरे हो जाने दो, वही बच्चा जिसके लिए तुमने ईमान खोया है तुम्हारी मौत का सामान बनेगा, इसे तुम्हारे अमाल की सजा के लिए मखसूस किया गया है, जाओ, इससे ज्यादा तुम्हारे साथ रियायत नहीं की जाएगी। हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है मियाँ साहब? खुदा की लानत हो तुम पर, मैंने नफरत से कहा। सुनिए तो सही मियाँ साहब, जो कुछ सुना दिया है तूने इससे ज्यादा ना सुनना, तेरे हक में बेहतर है। इकराम, इन्हें यहाँ से निकाल दो। मैं इनके पास से उठकर वापस चल पड़ा। इकराम ने उन्हें वहां से निकाल दिया, इसी वक्त इन्हें खानका से दूर जाना पड़ा था। मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी थी, दिल लरज रहा था इस कहानी पर। कैसे कैसे मर्दूद इंसान होते हैं इस दुनिया में, ला हौल वला कुव्वत। इकराम मेरे पास आकर बैठ गया, हम दोनों खामोश थे, मगर ये खामोशी कायम न रह सकी। शामी नजर आया था, इसके साथ नादिर हुसैन था, लिबास पहने हुए निहायत बेहतर हालत में। हम दोनों हैरत से उछल कर खड़े हो गए। बड़ा बाबा ठीक हो गया मसूद भाई, हमारा बड़ा बाबा ठीक हो गया, शामी खुशी से बोला। वाकई खुशी की बात है। नादिर हुसैन, कैसे हो तुम? मैं तो जैसा था वैसा हूँ, बस तुम लोगों की बिनाई मुतासिर हो गई है, नादिर हुसैन ने जवाब दिया। मैं चौंक कर इसे देखने लगा, इसका लहजा बदला हुआ था। ताहम मैंने इस पर तबसरा नहीं किया और शामी से बोला, चलो शामी, तुम्हारी मेहनत बराबर हुई। हाँ नादिर हुसैन, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, तुमने वादा किया था कि एक मखसूस वक्त गुजारने के बाद हमें इजाज़त दे दोगे। मखसूस वक्त गुजरा कहाँ है, जल्दबाजी क्यों कर रही हो?
अभी नहीं अभी नहीं, उसने कहा। फिर शामी से बोला, जाओ तुम आराम करो, आराम का वक्त है। जी बड़े बाबा, शामी ने कहा। फिर मुझे हल्का सा इशारा किया और वहां से आगे बढ़ गया। मकसद ये था कि वो बातें ठीक कर रहा है, मगर मैं इसका ख्याल रखूं कहीं भाग ना जाए। शामी चला गया, मगर इसने और कोई बात नहीं की। खामोशी से गर्दन झुकाकर बैठ गया। मुझे खुद ही कहना पड़ा, शामी को भेजकर तुम कोई खास बात कहना चाहते थे? हाँ, रुको, अभी रुको, कहीं से बुलावा तो नहीं आया है? कैसा बुलावा? मैंने इसे मशकूक नजरों से देखकर कहा। बुलावे अलग अलग होते हैं, क्या समझे? सारे बुलावे अलग अलग होते हैं, तुम्हारा कोई बुलावा नहीं है अभी, रुको, ना जाने किसे किसे तुम्हारी जरूरत पड़े। मैं खामोशी से उसे देखने लगा। नादिर हुसैन के बोलने का ये अंदाज नहीं था, वो तो मेरा बहुत एहतराम करता था, लेकिन इसका ये अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके बाद इसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली, वो रुख बदल कर बैठ गया था। इकराम ने थके थके लहजे में कहा, आप बैठेंगे मसूद भाई? नहीं, चलो आराम करें, मैंने उठते हुए कहा। हालांकि शामी मुझे इशारा करके गया था, लेकिन मैं रात भर चौकीदारी नहीं कर सकता था। फिर अब वो बेहतर भी नजर आ रहा था, चुनाचे मैंने अपनी आरामगाह का रुख किया। इकराम ने भी नादिर हुसैन के अंदाज को महसूस किया था। आरामगाह में आकर मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, अगर आप कहें मसूद भाई तो मैं शामी को होशियार कराऊं। किस सिलसिले में? यही कि हम वहां से उठ गए हैं, अब वो नादिर हुसैन का ख्याल रखे। मेरे ख्याल में वो अभी ठीक नहीं है। क्यों? इसके बात करने का अंदाज बताता है, वो आपसे इस लहजे में तो बात नहीं करता था। मैंने इकराम की बात का जवाब नहीं दिया, चुनाचे इकराम भी खामोश हो गया। हम दोनों आराम करने लेट गए थे, मगर नींद नहीं आ रही थी। शेख मुगीसुद्दीन और इसकी बीवी का ख्याल बार बार आ रहा था। दोनों बदबख्तों से मुझे शदीद कराहत महसूस हुई थी, ये ना मासूमियत थी ना लापरवाही। इतना बड़ा काम उन्होंने नहायत आसानी से कर डाला था, कुछ तो सोचना चाहिए था। मगर अंदाजा होता था कि शेख मुगीस पहले ही एक बद इंसान था, इसके खून में वफा नहीं थी, वो शकीउल कल्ब था, वरना अपने मोहसिनों के एहसान को कभी ना भूलता। जिन्होंने इसका मुस्तकबिल बनाया, उन्हें इसने तस्लीम ना किया। बाकी बात रही इसकी बीवी की, तो वो यकीनन बदकार औरत थी, इससे वफा मुमकिन नहीं थी। जो कुछ मैंने शदीद कराहत के आलम में कहा था, इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं था। रात काफी गुजर गई, इकराम भी करवटे बदल रहा था। मैंने इसे पुकार लिया, नींद नहीं आ रही? हाँ भैया, बाहर चलें। मैं खुद यही सोच रहा था, बाहर खुली फिजा होगी। हम दोनों बाहर निकल आए, इबादत से बेहतर और क्या मशगला हो सकता था। वजू किया और आगे बढ़ गए, तभी नादिर हुसैन नजर आया। जहाँ छोड़ गए थे वहीं गर्दन झुकाए बैठा था। उसे मुखातिब करने को दिल न चाहा। हम इससे कुछ फासले पर बैठ गए, इसकी पुष्ट हमारी तरफ थी। मैंने इसकी तरफ से जहन हटा लिया और आंखें बंद कर ली। फिर मैंने दुरूद शरीफ का विर्द किया। अभी पहली बार दुरूद शरीफ खत्म किया था कि दफ़तन नादिर हुसैन की आवाज़ सुनाई दी। वो चीख मार कर खड़ा हो गया। मैं और इकराम चौंक कर इसे देखने लगे। अहमक हो तुम, दीवाने हो गए हो, बिल्कुल पागल हो गए हो, वो बिफरे हुए लहजे में बोला। क्या हुआ नादिर हुसैन? मैंने ताज्जुब से पूछा। पाक कलमात किसी की पुश्त में नहीं पढ़े जाते, आइंदा ख्याल रखना, उसने कहा। और मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैं कुछ बोला नहीं था कि उसने कहा, बुलावा आ गया है मेरा, जब तक तुम्हारा बुलावा ना आए यहाँ से ना जाना, एक हाजतमंद की हाजत रवाई जरूरी है। हक, उसने जोर से नारा लगाया और अचानक इसके लिबास में आग लग गई। मुझे और इकराम को नहीं मालूम था कि शामी कुछ लोगों के साथ खुफिया तौर पर इसकी निगरानी कर रहा है। अभी हम दोनों शशदर खड़े गौर कर रहे थे कि क्या करें, कि अकुब से शामी की चीखने की आवाज उभरी और वो दो तीन अफराद के साथ दौड़ पड़ा। आग आग, पानी पानी, वो नाचता हुआ बोला। मगर इतनी देर में नादिर हुसैन का लिबास खास तर हो गया था। इसने दूसरा नारा लगाया और इसके साथ खानका की बुलंदियों से नीचे छलांग लगा दी। शामी के हलक से दिल खराश आवाज निकली, बड़े बाबा। वो दीवानावार भागता हुआ किनारे तक आ गया। मैं और अकराम ने भी इसकी तकलीद की और फिर सुकड़ कर खड़े रह गए। हालांकि जितनी बुलंदी से वो नीचे कूदा था, इसके हाथ पांव टूट जाने चाहिए थे, लेकिन वो नीचे तारों की छांव में बेतकान दौड़ता नजर आ रहा था। लिबास से आरी, हर तकलीफ से बेनियाज, देखते ही देखते वो निगाहों से ओझल हो गया। मेरे बदन में शदीद सनसनी दौड़ रही थी। इस पर फिर दौड़ा पड़ गया मसूद भैया। आह, अब क्या होगा, वो फिर हमारे हाथ से निकल गया।
शामी ने अफसोस भरे लहजे में कहा और मैं चौंक कर इसे देखने लगा। नहीं शामी, वो ठीक है, मैंने आहिस्ता से कहा। ठीक है? शामी सिसकी सी लेकर बोला, हाँ हम सबसे ज्यादा होशमंद। ना जाने तुम क्या कह रहे हो, शामी झल्ला कर बोला और मैं शामी को तसल्लियां देने लगा। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है शामी, अब वो इस झूठी खानका का बुजुर्ग ही है। अब क्या होगा मसूद भाई, हमें फिर इसके पीछे निकलना होगा, ना जाने कहाँ से कहाँ निकल जाए वो, हमें बताओ अब हम क्या करें। जो कुछ करोगे बेकार होगा, वैसे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, आओ इकराम, मैंने कहा और इकराम को साथ लेकर अपनी आरामगाह में आ गया। खानका में जितने लोग थे सब वहीं जमा हो गए थे। सचमुच शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हूँ मसूद भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा, वरना आपसे ना कहता, इकराम ने बेबसी से कहा। क्या बात है इकराम? नादिर हुसैन को क्या हो गया? वो जो मिसरा है ना, खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, वो सादिक आ गया है। क्या मतलब? ओहदा मिल गया है उसे, मजजूब हो गया है। वैसे भी इकराम तुम्हें याद होगा वो डाकू था, जाली खानकाह में वो लोगों को झूठी दिलासे देता था लेकिन खुद को पीर कहलवाने से लरसता था। वो खुद को दुनिया का बदतरीन इंसान समझता था, उसे अपनी गुनाहों का शदीद एहसास था। अल्लाह को इसकी कोई अदा भाई, इसे बहुत बड़ा मुकाम मिल गया। सुभान अल्लाह, तो ये बात है, एक आध बार शुबा हुआ था, यकीन नहीं कर सका था, फिर यह अंदाजा कैसे हुआ? इसकी पुष्ट हमारी तरफ थी, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया था, वो तड़प गया, कलाम इलाही की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सका, अब वाकई वो इस खानका का इंसान नहीं है। इकराम खामोश हो गया, हम दोनों ही तासुर में डूबे हुए थे। मैं नादिर हुसैन की खुशबख्ती पर रश्क कर रहा था, बहरहाल ये रिम्स थे जो इंसानी अकल के दायरे में नहीं आते। कुछ देर के बाद इकराम ने कहा, यहाँ रुकोगी मसूद भैया, तुम्हारी क्या राय है? कुछ उकताहट सी महसूस हो रही है, वैसे भी हम यहाँ रुक गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। इकराम ने इस तरह कहा कि मुझे हंसी आ गई, वो मासूम नजरों से मुझे देखने लगा। हम काम ही क्या करते हैं इकराम, बस यहाँ वहाँ, वैसे अभी कुछ दिन यहाँ गुजारेंगे, अभी यहाँ से जाने का वक्त नहीं आया। ठीक है, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। रात गुजर गई, ना जाने कब तक नादिर हुसैन के बारे में सोचता रहा और इन हालात पर गौर करता रहा था। नादिर हुसैन बेशक खुश नसीब था कि उसने इतना बड़ा मुकाम पा लिया था। दूसरा दिन मंगल का था, आज अर्जियां लिखी जाती थी। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था, अर्जियां लिखी जाती, हाजतमंदों की दर्द भरी आवाजें हमें माइक्रोफोन पर सुनाई देती थी और हम इन्हें लिख लिया करते थे, फिर जो कुछ मेरे दिमाग में आता इसके मुताबिक मशवरे दे दिया करता था। मशवरे जुमेरात को दिए जाते थे। मामूल के मुताबिक हम तैयार होकर बैठ गए, इकराम भी कागज कलम लिए बैठा था। दर्दमंद अपनी अपनी कहानियां सुनाते रहे, बास कहानियां आंखें भिगो दिया करती थी। दवाएं और दुआएं चल रही थी, अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, दुखियारी हूँ साईं बाबा, मेरी कहानी सुनोगे? सुन लो साईं बाबा, सुन लो तो अच्छा है, ना सुनोगे तो समझूंगी कि तुम भी सबकी तरह हो। सब कुछ खो गया है मेरा साईं बाबा, कुछ भी नहीं बचा है, शमसा है मेरा नाम, दो कड़ियल भाई थे, माँ थी, बाप थे, मेरे एक मामू थे, भरा घर उजड़ गया साईं जी। भाई बिछड़े, माँ बाप जवान बेटों के दुख में पागल हो गए, दर दर फिरे हम, फिर साईं नहुसत मेरी तरफ बढ़ी, रिश्ता आया, मेरे माँ बाप इस हालत में नहीं थे कि शादी करें, मना कर दिया उन्होंने, वो लोग चिढ़ गए, मुझे छीन लिया उन्होंने मेरे माँ बाप से, जबरी निगाह पढ़ाया, मेरा मियाँ मुझे लेकर मारा मारा फिरता रहा, दिल बुरा था इसका मेरी तरफ से, कभी इज्जत नहीं दी इसने मुझे, चार चोट की मार मारता है जरा सी गलती पर, तीन बच्चे हो गए हैं मेरे, कोई सहारा नहीं है इनका जी, वो बुरी औरतों के फेरे में रहता है साईं, माँ बाप का पता नहीं है मेरे, भाई नहीं मिलते साईं जी, मेरी मुश्किल दूर कर दो साईं, मेरी मंजिल मुझे दे दो, मर भी नहीं सकती साईं बाबा, तीन जाने अकेली रह जाएंगी, क्या करूं, इनका मुश्किल हल करो साईं जी। दिल की हरकत बंद होने लगी, खून की रवानी रुक गई, सांस थम गया, ये दर्द और कर्ब में डूबी हुई आवाज मेरे लिए अजनबी नहीं थी, अरसा हो गया था, सदियां बीत गई थी, लेकिन यह आवाज कैसे भूल सकता था, हर जुमला सिसकी था, हर लफ्ज जख्म था। आह शमसा मेरी बहन, मेरी बहन मुझसे कुछ गज दूर थी, वो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी, वो मुझे मेरी कहानी सुना रही थी। फिर शामी की आवाज उभरी, चलो बहन दूसरे का आना है, जाती हूँ भैया जाती हूँ, साईं मेरे साईं सुन लो, मुझ पर गौर कर लो, कोई सहारा नहीं है, चलो बहन उठो जल्दी करो, उठती हूँ भैया जाती हूँ,
साईं बड़ी आस लेकर आई हूँ। साईं जाती हूँ भाई, अभी जाती हूँ, जुमेरात को आऊंगी साईं बाबा, जुमेरात को। हाँ हाँ जाती हूँ। दर्द कर्ब में डूबी चीख को नहीं रोक सका था और इस आवाज पर इकराम बुरी तरह उछल पड़ा था। हिचकियां बन गई थी मेरी। इकराम सब कुछ छोड़कर मुझसे आ लिपटा था। मसूद भाई, मसूद भाई, क्या हो गया है मसूद भाई, क्या बात है, अरे क्या हालत हो गई मसूद भाई, मसूद भाई। इकराम बेचैन होकर मुझे झिझोड़ने लगा, लेकिन कुछ ऐसा बेख्तियार हुआ था कि खुद पर काबू ही नहीं रहा था। इकराम ने पानी पिलाया। इसके बाद कोई अर्जी न लिखी जा सकी थी। जमीन पर लेट गया, दिल काबू में नहीं आ रहा था। इकराम ऊपर जाकर शामी और दूसरे लोगों को बुला लाया। बेवकूफ कोई भी ना था, अब सभी मेरी हैसियत से आशना हो चुके थे, जानते थे कि जब से मैं खानकाह में दाखिल हुआ हूँ काया ही पलट गई है, नकली खानकाह असली हो गई है। जो आता है यही कहता हुआ आता है कि इसका काम बन गया, यहाँ तक कि इनका बड़ा बाबा भी मेरा मोतकिद नजर आता था। सबको इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब खानकाह मेरे ही दम से चल रही है और इन लोगों की दाल रोटी का बंदोबस्त है। चुनाचे सभी मुझसे मानूस हो गए थे, खुसूसन शामी। मेरी ये हालत देखकर वो सब सख्त परेशान थे और तरह तरह की बातें करने लगे। कोई डॉक्टर के पास ले जाने का मशवरा देने लगा तो कोई दवाएं तजवीज़ करने लगा। सब एक ही सवाल कर रहे थे कि क्या हो गया, अचानक क्या हो गया है। और इकराम घबरा घबरा कर उन्हें बता रहा था कि बस बैठे बैठे ही तबीयत बिगड़ गई है। कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो समझ ना आ सके। सबकी आवाज़ें मेरे कानों तक पहुँच रही थी। मुझे अपनी इस कैफियत पर शर्मिंदगी भी थी, लेकिन कुछ ऐसा बेबस हुआ था कि अपने आप को संभालना मुश्किल हुआ जा रहा था। शमसा की दर्द भरी बातें कानों में पिघले हुए सीसे की मानिंद उतर रही थीं। कैसी बेबसी थी उसकी आवाज़ में, मेरी बहन, आह मेरी बहन। उसके तसव्वुर से आंखों से आंसू उबलते चले जा रहे थे। रोकना चाहता था इन आंसुओं को, लेकिन कुछ ऐसे बेख्तियार हुए थे कि कुछ भी मेरे बस में नहीं रहा था। पानी पिलाया गया, सहारे दिए गए, न जाने कैसे कैसे जतन करके अपनी हालत पर थोड़ा सा काबू पाया। भराई हुई आवाज में उन लोगों से कहा कि कोई खास बात नहीं है, बस अंदर से शरीर गर्मी की एक लहर उठी है और कुछ नहीं है, ठीक हूँ। हमदर्द और मोहब्बत करने वाले ये सुनकर सहारा दिए हुए जबरदस्ती बाहर लाए। खानकाह के अकबी हिस्से में एक साफ सुथरी जगह मुझे लिटाया गया। हर शख्स ही किसी न किसी चीज से मुझे पंखा झल रहा था। अभी खानकाह के दूसरे हिस्से में जायरीन मौजूद थे, चुनाचे ये अकबी हिस्सा मुंतखब किया गया था। मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी, हर ख्याल को जहन से मिटा दिया। जख्म तो दिल पर हमेशा से मौजूद थे, बस इन पर एक हल्की सी तह चढ़ा ली थी, लेकिन खुरन नहीं बन पाए थे, जख्म दुरुस्त नहीं हुए थे। एक आवाज से एक जख्म की झिल्ली उतर गई थी। खून तो बहना ही था, बरसों से रुका हुआ था, बहता रहा, लेकिन आखिर कब तक? जब खून ही खत्म हो जाए जिस्म में तो क्या बहेगा। आंसुओं की रवानी रुक गई, सहारा दिया खुद को, उठकर बैठ गया। अब इन लोगों को समझाना भी जरूरी था जो बेचैन थे, अफसरदा थे, मुस्तरिब थे मेरे लिए। मध्यम से लहजे में कहा, बहुत माजरत ख्वाह हूँ आप सबसे, ख्वामखा एक ज़रा सी गर्मी से कैफियत बिगड़ गई तो आप लोगों को परेशान होना पड़ा, बस दिल पर एक बोझ सा आ पड़ा था, न जाने क्यों आंखों से आंसू निकल पड़े, अब ठीक हूँ। आप हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है मसूद भाई, खुदा के लिए खुद को संभालिए। हम बेखानमा लोग जो पहले ही बहुत बुरे थे, और अब हम में से हर एक ये बात कह सकता है कि आपके आने के बाद हमारी काया पलट हो गई है। अहमक नहीं है हम लोग, गौर करते हैं, हम बुरे रास्तों के राही थे, ये खानकाह धोखे का घर थी, आपके आने के बाद सब कुछ बदल गया, यहाँ तक कि हम भी बदल गए। मसूद भाई खुद को संभालिए, खुदा के लिए, आप हमारी ज़िंदगी का सहारा हैं, आपको अगर नुकसान पहुँच गया तो बेमौत मारे जाएंगे हम सब। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा था कि इंसान हूँ और इंसान की कैफियत कभी ना कभी ख़राब हो ही जाती है। बहरतौर इस तरह इन लोगों की अयादत में रात हो गई थी, जायरीन जा चुके थे और खानकाह पर फिर वही हु का आलम तारी हो गया था। बाहर ही रहा और ठंडी हवाओं ने कैफियत काफ़ी बेहतर कर दी थी। वैसे भी तमाम लोगों का साथ था, सोच के दरवाजे आर्जी तौर पर बंद हो गए थे, चुनाचे संभल गया, कुव्वती इरादी से भी काम लिया था, फिर वापसी का फैसला किया और कुछ देर के बाद इकराम के साथ तनहा रह गया। इकराम के चेहरे पर एक अजीब सी मुर्दनी छाई हुई थी, इसने इसके बाद से मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। जाहिर है मेरे लिए परेशान था, मगर मैं क्या करता, ऐसा ही मोड़ आ गया था कि मेरी अपनी कुव्वत फैसला जवाब दी गई थी। कितने अरसे के बाद शमसा की आवाज़ सुनाई दी थी, मोहब्बत करता था मैं अपनी बहन से, बहुत मोहब्बत करता था। वो इब्तदाई दौर याद था जब हम सब साथ रहते थे, शमसा की शरारतें,
मामू रियाज का मुझे डांटना, हर चीज मुझे याद आ गई थी, लेकिन ये कैसी कैद थी, ये कैसी पाबंदियां थी कि मैं अपनी बहन तक नहीं जा सकता था। मुझसे कहा गया था कि सब्र करूं। क्या इंसानी कुव्वते बर्दाश्त इस हद तक हो सकती है? जहन भटकने लगा तो अपनी आंखें बंद कर ली। सोना चाहता था और इसमें मुझे नाकामी नहीं हुई। ये सहारा मुझे दे दिया गया था और नींद के इस सहारे ने रात गुजार दी। ऐसा बेखबर सोया कि फजर के वक्त में आंख खुली थी। वजू किया, नमाज पढ़ी, इकराम मेरे साथ था और इस तरह संजीदा संजीदा नजर आ रहा था। दिल को कुछ ढारस सी मिली थी, लेकिन नमाज के बाद इकराम ने फिर पैमाना इज्जत तोड़ दिया। उसने अर्जी मेरे सामने करते हुए कहा, मसूद भाई, वो शमसा थी ना, आपकी बहन। इसकी आवाज रंधी हुई थी। मैंने चौंक कर इकराम को देखा, इसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कहने लगा, बताइए ना मसूद भाई, वो शमसा ही थी ना? हाँ, मैंने उससे झूठ नहीं बोला। मैं समझ नहीं पाया था उस वक्त, लेकिन रात को मैंने बहुत गौर किया और उसके बाद ये अर्जी पढ़ी जो सिर्फ मैंने लिखी थी, आपने नहीं लिखी थी। मुझे अंदाजा हो गया कि ये सब इसी का रद्द अमल है। जो कुछ आप मुझे सुना चुके हैं मसूद भाई, उससे मैंने यह अंदाजा लगा लिया कि वो हमारी बहन शमसा थी। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ इकराम, वही थी और मेरी ये कैफियत उसी की वजह से हुई थी। इकराम ने अर्जी निकाल ली और कहने लगा, दोबारा पढ़िए इसे मसूद भाई, दोबारा पढ़िए। नहीं इकराम, खुदा के लिए, मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ सकूंगा, मैं तो इसे लिख भी नहीं सका था। हकीकतों से चश्मपोशी मुमकिन नहीं है मसूद भाई, आप दुनिया की मसाइल हल करते रहते हैं। इस वक्त अगर आपसे अपनी बहन ना भी तसव्वुर करें, तब भी आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि इसकी मुश्किल का हल तलाश करें। आपने सुन लिया है, वो सबके दुखों में डूबी हुई है और इसके बाद भी इसकी ज़िंदगी का कोई बेहतर रास्ता नहीं मिला। वो कहती है कि इसका शौहर इसे ले लेकर मारा मारा फिरता रहा है, वो इसकी इज्जत नहीं करता, मारता है उसे। 3 बच्चे हैं इसके और कोई सहारा नहीं है। क्या हम इसे नज़रअंदाज कर देंगे मसूद भाई? खुदा के लिए इकराम, खुदा के लिए। नहीं मसूद भाई, मैंने हमेशा आपकी हर बात पर सर झुकाया है। यहाँ मैं वफादारियों का हक नहीं अदा कर रहा, बल्कि पहली बार मेरे दिल ने आपसे बगावत की है। मेरा दिल कहता है कि शमसा पूरी तवज्जो की मुस्तहिक है, हमें इस पर खास तवज्जो देनी होगी। मैंने बेबसी से इकराम को देखा, क्या बताता उसे, कैसे कहता कि मुझे इजाज़त नहीं है। इकराम ने कहा, वो जुमेरात को आएगी मसूद भाई, वो जुमेरात को आएगी, आपको इससे मिलना होगा। नहीं इकराम, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ठीक कहता हूँ मसूद भाई, हम इसे भरपूर सहारा देंगे। इकराम, हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। तो बदल जाए, क्या कर सकते हैं हम, बेबस हैं, कमज़ोर हैं। बकुमत, ये नहीं हो सकता, उम्र भर की मेहनत अकारत हो जाएगी इकराम, ये नहीं हो सकता। मैंने तुमसे आखिरी बात कह दी है इकराम। इकराम खामोश हो गया, उसने गर्दन झुका ली थी। वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलता था मुझसे, मेरे मामलात में मदाखलत नहीं करता था। दिन भर खामोश खामोश रहा, मामूलात जारी रहे। मैं जानता था कि वो तावन करने वालों में से है। न जाने कितनी बार हो उठी, लेकिन फिर दिल को महसूस कर खामोश हो गया। अलबत्त दूसरे दिन मैंने इकराम से कहा, वो शाम को आएगी इकराम, तुम इसे थोड़ी सी रकम दे देना, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, ये उसके हवाले कर देना और उसे तसल्लियाँ देना, ये काम तुम कर लेना, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता हूँ। आप नहीं मिलेंगे इससे मसूद भाई? नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इकराम, मैं नहीं कह सकता कि इसके बाद क्या हो जाए। खुदा के लिए ये सब कुछ ना करना, मुझे इसके लिए मजबूर मत करना। इकराम ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गया। शाम हुई, अर्जियाँ तैयार हो चुकी थीं, यानी जिन जिन लोगों ने अपनी मुश्किलात का इजहार किया था, उन्हें इनका हल बता दिया गया था। इकराम को मैंने हिदायत दे दी थी, लेकिन दिल था कि काबू से बाहर हुआ जा रहा था। इकराम शमसा से मिलेगा, जो भी कुछ कहेगा इससे वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी बहन का चेहरा भी नहीं देख सकूंगा। आह, वो मुझसे कुछ फासले पर मौजूद है, कितने बरसों से बिछड़ी हुई है, कितने दुख से उसने कहा था कि पूरा खानदान मुंतशिर हो गया है, भाई बिछड़ गए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है इसके पास। मैं जानता हूँ कि वो कुछ फासले पर मौजूद है, लेकिन मैं रोता रहा, अंदर ही अंदर रोता रहा, और वक्त गुजर गया। इकराम वापस मेरे पास नहीं आया था, इंतज़ार कर रहा था मैं उसका। आए, मुझे बताए कि शमसा से क्या बात हुई, क्या किया, उसने क्या कहा। लेकिन इकराम वापस क्यों नहीं आया? फिर मैं खुद भी बाहर निकल आया। शामी और दूसरे लोग अपने मामूलात में मसरूफ थे, मैंने इकराम के बारे में किसी से पूछा नहीं, बेकार ही था।
लग रहा था कि यहाँ मौजूद ही नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये क्राम को क्या हो गया, कहाँ चला गया वो? जहन तरह तरह के ख्यालात में डूबा रहा। एक गोशी में बैठकर इकराम का इंतजार करने लगा। अंदाजा हो रहा था कि वो जज्बाती हो गया है, कहीं वो शमसा के पीछे ही ना निकल गया हो। हो सकता है, बहरहाल इंसान है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो हद से तजावुज करने वाली बात है। मैंने इसको इसकी इजाजत नहीं दी थी, फिर खुद ही अपने आप को समझा भी लिया। इकराम बस मेरा साथी है, महकूम तो नहीं है वो मेरा। अगर उसने अपने तौर पर कोई अमल किया है तो ऐसी बुरी बात भी नहीं है कि मैं इस पर बिगड़ने लगूं। अपनी मर्जी का मालिक है वो, किसी भी लम्हे मेरे पास से जा सकता है। वैसे ही तसव्वुर जरा अजीब सा लगा था। अब तो इकराम की कुछ इस तरह आदत हो गई थी कि उसे अपने ही जिस्म का एक हिस्सा समझने लगा था। पगला कहीं का, वो काम कर रहा है जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा तो है, कम अज कम शमसा के बारे में तफसीलात मालूम हो जाएंगी। खुदा करे वो इसके पीछे पीछे ही गया हो, कुछ मालूमात हासिल करके आएगा। हो सकता है माँ बाप का कुछ पता चल जाए। इन्हीं ख्यालात में बैठा रहा और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अकराम वापस आ गया था, उसने फौरन ही मुझे तलाश कर लिया था। मेरे करीब शर्मिंदा शर्मिंदा सा पहुंचा, कहने लगा, मुझे यकीन था मसूद भैया कि आप यहीं मौजूद होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज पहली बार मैंने खानकाह से बाहर जाकर इस शहर को देखा है। ये तो खासा बड़ा शहर है, बड़ी घनी आबादी है इसकी। भैया मैं शमसा के पीछे गया था, मैंने इसे थोड़ी सी रकम दे दी थी जो आपने मुझे दी थी, और मैंने इसे तसल्लियाँ भी दी थी कि अल्लाह ने चाहा तो इसकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। फिर मैं भैया अपने आप को बाज नहीं रख सका, उसके पीछे पीछे वहां तक चला गया जहां वो रहती है। एक छोटा सा घर है जो हुसैन खान नामी एक शख्स का है। हुसैन खान शमसा के शोहर का दोस्त है। शमसा के शोहर का नाम फैजान है, फैजान आलम। बहुत ओबाश आदमी है, सूरत ही से बुरा लगता है, और इसका दोस्त भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। कहीं बाहर से आकर यहाँ क़याम किया है और दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं। शमसा अकेली इस घर में रहती है क्योंकि इसके दोस्त की बीवी नहीं है। तीन बच्चे हैं शमसा के, दो बेटे और एक बेटी। और मसूद भाई, शमसा का एक बेटा जो 5 साल का है, बिल्कुल आपका हमशक्ल है, बिल्कुल आप जैसा। मैंने दोनों हाथ सीने पर रख लिए, दिल बेकाबू होने लगा था। भैया वो बड़ी गैर महफूज है, इसका शौहर दर हकीकत एक दरिंदा सिफत आदमी है। लगता ही नहीं है कि वो शमसा को अपनी बीवी समझता है। इसका दोस्त शमसा को गंदे फकरे कसता है, लेकिन वो खामोशी से बैठा हंसता रहता है। शमसा इस घर के सारे कामकाज करती है, अपने बच्चों को संभालती है। बहुत दुखी है वो भैया, बहुत दुखी है। तो मैं क्या करूं? मेरे हलक से एक चीख सी निकल गई। नहीं मसूद भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप क्या करें। भाई हैं आप इसके। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ। क्या करोगे, मुझे बताओ क्या करोगे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए मसूद भाई कि अगर आपकी बहन आपके सामने आ गई है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप जानते हैं, लेकिन उस बहन से जो आपकी सगी बहन है और मुसीबतों में गिरफ्तार है, इससे ये इज्तनाब कैसा? मुझे इजाज़त नहीं है। क्या समझे इकराम, मुझे इजाज़त नहीं है। मैं नहीं समझता भैया, इंसानी रिश्ते अगर इतनी ही आसानी से छीन लिए जाते तो इन रिश्तों का वजूद ही नहीं होना चाहिए था। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है, मैंने गुर्रा कर कहा। सज़ा आपको मिल रही है, शमसा को तो नहीं मिलनी चाहिए। इकराम क्या कहना चाहते हो, खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो, मुझे बताओ। शमसा से मिल लीजिए, उसे तहफ़ुज़ दीजिए, और कोई नहीं है इसका, आप हैं, मैं हूँ, मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। तो जाओ इसकी खबरगिरी करो, इसके साथ रहो। इंतहाई गमज़दा हूँ मसूद भैया, इंतहाई गमज़दा हूँ। सोचा था कि किसी हिस्से में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मरूंगा भी तो आपके कदमों में। लेकिन माफ़ कीजिए मसूद भाई, आपसे शदीद इख्तिलाफ़ कर रहा हूँ यहाँ, और इस इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर आपसे अलहदा हो रहा हूँ। मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। इकराम के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। उसने कहा, आप ही के हवाले से मैं इससे रोशनास हुआ हूँ, लेकिन एक ऐसी बेबस, एक ऐसी तनहा लड़की जिसका कोई सरपरस्त नहीं, जिसके सर पर कोई साया नहीं है, और ये मालूम होने के बाद कि उसका माजी क्या है, मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है कि मैं इस खानकाह में आपके साथ बैठ कर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता हूँ, और वो इसी तरह ज़िंदगी के जाल में उलझी हुई मुसीबतें उठा रही है। आप ही के हवाले से मसूद भाई, इसका भाई हूँ, और मेरा फ़र्ज मुझे मजबूर कर रहा है कि बहन के सर पर हाथ रखूँ। जिस काबिल भी हूँ मैं, इसकी खबरगीरी करूँगा, देखूँगा फैजान उसे क्या नुकसान पहुँचाता है। बस भैया, मेरा और आपका साथ यहीं तक का था, हमेशा आपको याद करता रहूँगा,
लेकिन ये बात भी आप याद रखिएगा कि जब आपकी याद मेरे दिल में आएगी तो मैं सोचूंगा कि आपने अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए रिश्तों को ज़िबह कर दिया है। मैं मुत्तफिक नहीं हूँ आपसे भैया। मैं फटी फटी आंखों से इकराम को देख रहा था। मेरे अंदर गुड़गुड़ाहटें हो रही थीं और मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूँ। दिल चाह रहा था कि इकराम को उठा कर ज़मीन पर पटक दूँ। क्यों मेरी ज़िंदगी को एक बार फिर तारीखियों की जानिब धकेल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है वो? लेकिन जो जज्बे उसके सीने में मौजन हो गए थे उनसे मुनहरिफ तो मैं भी नहीं हो सकता था। इकराम संजीदा चेहरा बनाए खड़ा था, कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है मसूद भैया, मेरी ख्वाहिश है कि आप शमसा से मिल लें, फैज़ान आलम का किबला दुरुस्त करें कि वो एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजारे। मैं इसके बाद और कुछ नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर हम इसकी तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। आप उससे मिल लें, आपसे ज़रूर मिल लें। अगर मैं उससे मिल लिया तो हाँ तो आगे कहिए। तो गुनहगारों में शुमार किया जाऊँगा, नाफरमान तसव्वुर किया जाऊँगा और इस नाफरमानी की सज़ा मिलेगी आपको, यही ना? इकराम हद से बढ़ रहे हो। बढ़ रहा हूँ भाई, जब रिश्ते इतने ही बेमायने होते हैं तो फिर मेरा और आपका रिश्ता क्या? अपनी सज़ा से डर रहे हैं आप, और वो सज़ा जो चार अफराद को मिल रही है और इससे आगे बहुत से दूसरे लोगों को मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जानते हैं आपको, छोटा भाई महमूद समंदर पार है, वो सब यानी माँ बाप मामू रियाज ज़िंदगी के अजाब में गिरफ्तार हैं और आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जी रहे हैं इन सबको भूल कर। सारे बदन में एंठे हो रही थी, दिमाग में शदीद सनसनाहट पैदा हो गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली, दांत भींच लिए और अपने आप को इन आवाज़ों से दूर करने की कोशिश करने लगा। अजीब लम्हा आया था, एक तरफ शदीद खौफ दामनगीर था, जब भी कभी इन्हराफ की मंजिल में दाखिल हुआ ऐसे ऐसे अजाबों से गुजरा कि ज़िंदगी लरज गई और इसके बाद जो कुछ बीती वो एक अलग दास्तान थी। मैं मुनहरिफ नहीं होना चाहता था, लेकिन अब वो मोहब्बतें दिल पर अजब सा असर कर रही थीं जो फितरत का एक हिस्सा होती हैं। इकराम के अल्फाज ने दीवानगी तारी कर दी थी। क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना चाहिए मुझे, आह क्या करूं? मैं आंखें बीचे हुए बैठा रहा। इकराम मेरे सामने साकित खड़ा था। गुड़गुड़ाहटें आहिस्ता आहिस्ता रुक गई और मतलब साफ हो गया। मैं मकलूब हो गया था, बिल्कुल मकलूब हो गया था। वाकई बड़ा अजीब व गरीब तासर था। मेरे जहन पर शमसा की गर्वनाक आवाज़ें उभर रही थीं, रहम करो साईं, रहम कर दो, चार चोट की मार मारता है वो मुझे, तीन बच्चे हैं मेरे, कोई सहारा नहीं है, रहम कर दो साईं, रहम कर दो। मैं एकदम उठ खड़ा हुआ, कहाँ रहती है शमसा? मैंने सवाल किया और इकराम खुशी से उछल पड़ा। मैं इसके घर का पूरा पता याद करके आया हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। चलो इकराम, चलना है मुझे, जाना है मुझे, मैं शमसा के पास जाना चाहता हूँ, तीन बच्चे हैं ना इसके। चलो इकराम चलो, ठीक है, ये भी तकदीर ही का एक हिस्सा है, आजमा लूँ अपनी तकदीर को भी। आह चलो इकराम, जल्दी चलो, कहीं मेरे पैरों में लफ्जिश ना आ जाए। चलिए मसूद भैया, इकराम ने कहा और मैं लड़खड़ाते कदमों से इसके साथ चल पड़ा। माजी के तेज़ो तुन हवाएं जहन से गुजर रही थी। शमसा का बचपन याद आ रहा था, क्या दर्दनाक लहजा था उसका इस वक्त जब वो अपनी बिपता सुना रही थी, और ये किसका बचपन था, शोखी और शरारत से भरपूर। मेरे कदमों में तेजी आती जा रही थी, इकराम को मेरे साथ साथ दौड़ना पड़ रहा था। एक तवील फासला तो हमें ऐसे ही तय करना पड़ा क्योंकि आबादी जरा दूर थी। लेकिन इसके बाद इकराम ने मुझसे आहिस्ता से कहा, रफ्तार सुस्त कर लीजिए मसूद भैया, इस तरह दौड़ दौड़ कर चलेंगे तो लोग हमारी जाने मुतवज्जे हो सकते हैं। मैंने बमुश्किल तमाम अपने आप पर काबू पाया। इकराम पहली बार इस आबादी में आया था, लेकिन शमसा के घर के पते को इसने पूरी तरह जहन नशीन कर लिया था और अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसी जानिब से बढ़ रहा था। तुम्हें पता ठीक से याद है ना? हाँ, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। वो देखिए वो चबूतरा और इस पे पीपल का दरख्त, शायद यहाँ हिंदू पूजा करते हैं। वो चूने के निशानात, कितनी दूर है यहाँ से? बस वो छोटा मैदान उबूर करके हम इन घरों के सिलसिले तक पहुँच जाएंगे। जल्दी करो, तुम्हारे कदमों की रफ्तार सुस्त क्यों है? मैंने कहा तो इकराम मुस्कुरा दिया। इसने मुंह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैंने इसकी मुस्कुराहट महसूस कर ली थी। आंखों में रोशनी की तरह प्यारी थी वो मुझे, मगर मैं क्या करता, क्या करता, मैंने सोचा। इकराम अब भी खामोश था, वो मेरे दिल की कैफियत क्या समझता, क्या क्या वसवसे थे मेरे दिल में, कैसे कैसे खौफ पिन्हा थे, मैं ही जानता था। मलून भूरिया चरण ने इससे पहले भी तो मुझ पर ऐसे कई वार किए थे, मुख्तलिफ शक्लें लाया था वो मेरे सामने, कौन जाने ये भी कोई धोखा है या फिर। मैदान उबूर कर लिया, मकानात का सिलसिला शुरू हो गया,
फिर इकराम एक मकान के दरवाजे पर रुक गया। ये है, उसने कहा। आगे भी वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन एक दिलदोस्त निस्वानी चीख ने इसकी आवाज बंद कर दी। चीख की आवाज अंदर ही उसे उभरी थी। हम दोनों ठिटक गए। चीख शमसा की थी। मैंने मुस्तरिब निगाहों से इकराम को देखा। इस बार भी कुछ नहीं बोल पाया था कि कदमों की भारी आवाज सुनाई दी। कोई दरवाजे के पास आ गया था। फिर निस्वानी आवाज उभरी। बे आबरू नहीं हूं, समझा क्या है तूने मुझे? दो भाइयों की बहन हूँ, दो कड़ियल भाइयों की, तेरी और तेरे बेगैरत दोस्त की जागीर नहीं हूँ। हाँ, दूसरी आवाज सुनाई दी। दरवाजे को हाथ मत लगाइयो, सोच ले, तेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं, तीनों की गर्दनें मार दूंगा। ये एक भारी मर्दाना आवाज थी लेकिन इस दौरान दरवाजे की जंजीर नीचे गिर चुकी थी। खुदा के लिए, तुझे खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ती हूँ तेरे, मान ले मेरी बात। लजाजत भरी आंसुओं में डूबी हुई आवाज उभरी। ये आवाज मेरी बहन शमसा की थी। निकल गई सारी अकड़, आजा, शाबाश, अंदर आजा, तेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, ये जंजीर चढ़ा दे, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा, तेरे कड़ियल भाई कहीं मजे से सो रहे होंगे, आ चल, जंजीर चढ़ाकर अंदर आजा। मेरा पूरा बदन लरजने लगा। इकराम की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। उसने दरवाजे को लात मारी और दरवाजा खुल गया। शमसा खड़ी हुई थी। इससे दो गज के फासले पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था। दोनों ही उछल पड़े थे। शमसा के हलक से फिर चीख निकल गई। वो दौड़कर इकराम के करीब आ गई। बचा ले मुझे मेरे भाई, तुझे अल्लाह का वास्ता, बचा ले मुझे, मेरे भैया, मेरे भाई, मेरे बच्चे अंदर हैं, ये मार देगा उन्हें, ये उन्हें। पीछे खड़ा शख्स आगे बढ़ाया और गुर्राए हुए लहजे में बोला, कौन हो तुम दोनों, अंदर कैसे आए? मैं पूछता हूँ, तुम मेरे घर में कैसे घुसे? डाका डालना चाहते हो, अभी पुलिस के हवाले करता हूँ तुम्हें। इकराम ने शमसा को पीछे हटाया और पथराए हुए अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। मैंने हाथ सीधा करके इकराम के सामने कर दिया और वो रुक गया। मैं इस बदकार शख्स को घूरता हुआ इसके करीब पहुंचा। इसके मुंह से बू के भपके उठ रहे थे। इकराम ने कहा, नहीं मसूद भाई, तुम शमसा बहन को संभालो, मैं इसे देखता हूँ। मैंने इकराम को दोबारा हाथ से पीछे धकेल दिया। मेरी खूनी नजरें सामने खड़े शख्स को घूर रही थी। कौन हो तुम? शौहर है इसका? मैंने सर्द लहजे में पूछा। नहीं भाई, मेरे शौहर का दोस्त है ये, इसे नशा करा के बांध दिया है इसने, जख्मी कर दिया है इसे, और अब मुझे बेइज्जत करना चाहता है। पीछे से शमसा की आवाज उभरी। हालांकि इकराम ने मुझे मसूद कहकर पुकारा था, मगर शमसा के तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था कि ये मैं हो सकता हूँ उसका अपना भाई। सूरत हाल समझ में आ गई थी। मेरा हाथ उठा, उस शख्स के मुंह पर पड़ा और वो उछल कर कोई 5 फीट दूर जा गिरा। इसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी थी। मैं आगे बढ़ा और मैंने झुककर इसे गिरेबान से पकड़कर थोड़ा सा उठाकर मैंने इसे एक लात सीने पर रसीद की और इसके मुंह से हाय निकल गई। वो कोहनियों के बल पीछे खिसकने लगा। चीखने से गुरेज कर रहा था क्योंकि खुद मुजरिम था। शायद नहीं चाहता था कि बाहर आवाज जाए। मैंने इसकी पिंडली पर ठोकर रसीद कर दी और वो जमीन पर लौटने लगा। कमर, सीने और पिंडलियों पर लगातार ठोकरों से वो बेहोश हो गया। इकराम ने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया। मर जाएगा बदबख्त, छोड़ दो भैया, बस छोड़ दो, बस भैया बस करो, मसूद भाई रुक जाओ। इकराम इस तरह सामने आया कि अब अगर मैं इस शख्स को मारता तो इकराम निशाना बन जाता, चुनाचे रुकना पड़ा। शमसा खौफ से कांप रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, मजलूम हूँ, दुखियारी हूँ मेरे भाई, थोड़ी सी मदद और कर दो, मेरा मर्द अंदर बंधा पड़ा है, नशे में था, उसने धोखा दिया, इसे भी मारो, इसे जरा होश में लाओ, अल्लाह तुम्हें अजर देगा, तुमने एक बेआसरा की मदद की है, अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा, बस थोड़ी सी मदद और कर दो। बेहोश शख्स को वहीं छोड़कर हम अंदर चल पड़े। कमरे में लाइटें रोशन थी। फर्श पर एक शख्स बंधा पड़ा था, यही शमसा का शोहर था। हमने उसे सीधा किया, सर के बाल खून से चिपचिपा रहे थे, इसका मतलब है सर जख्मी है, शमसा कराहती हुई आवाज में कह रही थी। जैसा भी है, मेरे सर का साहिबान है, मेरा छप्पर है, बच्चों का बाप है, मेरा तो कोई पूछने वाला नहीं है, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे मेरे भाइयों, सगे भाई बनकर आए हो मेरे, हाय तुमने मेरी आबरू बचा ली, अल्लाह तुम्हारी बहनों की आबरू बचाए, मेरे भी भाई थे, छीन लिए तकदीर ने, हाय ये होश में आ जाए तो इससे पूछूं कि अब क्या करेगा। नशे का भी कोई रिश्ता होता है, सारे रिश्ते भूल जाते हैं ये ससुरे, भाभी भाभी कहकर धोखा दिया इसने। फैजान, अरे फैजान अब तो उठ जाओ, अब तो जाग जाओ फैजान, एक कपड़ा चाहिए बहन, इनका सर जख्मी है, इकराम ने कहा। मेरे बदन में अब भी लर्जिश थी। शमसा की आवाज का कर्ब,
इसकी बातें दिल छेद रही थीं, लेकिन सब्र करना आता है मुझे, सब्र करना जानता था, खुद को संभाले हुए था। शमसा ने अपनी ओढ़नी से ही एक टुकड़ा फाड़ दिया। कितना खून बह गया है, जख्म गहरा तो नहीं है? लोहे का कड़ा मारा था सर में, ज्यादा जख्म आया है क्या? नहीं, फिक्र मत करो, बच्चे कहाँ हैं? दूसरे कमरे में है, वहीं सो रही थी मैं, इन दोनों के लड़ने की आवाज़ सुनकर इधर आई। देखा तो फैजान जख्मी हो गया था, ये इसे बांध चुका था, और फिर खुदा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी बहनों की आबरू बचाए। फैजान को बिस्तर पर लिटाने के बाद मैंने इकराम से कहा, इसे भी अंदर घसीट लाओ, देखो मर तो नहीं गया। फैजान होश में आ जाए तो इससे पूछेंगे कि अब वो क्या चाहता है। आप भी आइए भैया, आइए, इकराम ने कुछ इस तरह कहा कि मैं इसके साथ बाहर निकल आया। कुछ बात करनी थी आपसे। कहो, मेरी आवाज़ हलक में घुट रही थी। शुक्र है नशे में होने की वजह से ये ज़्यादा चीखा चिल्लाया नहीं, इस तरह बाहर वाले मुतवज्जे नहीं हो सके। हमें सोचने का वक्त मिल गया है, इस मर्दूत को बांध कर डाल देते हैं और फिर कोई फैसला करते हैं कि हमें क्या करना है। वैसे आपने कमाल जब्त का सबूत दिया है, बहुत अच्छा किया है आपने। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है इकराम, मेरा वजूद चिकना चूर हो गया है, मैंने रंधी हुई आवाज़ में कहा। क्या मैं नहीं जानता? लेकिन मसूद भाई, शमसा बहन आपको बिल्कुल नहीं पहचानी? मेरे घर वाले मुझे जिंदा नहीं समझते इकराम, शमसा को तो मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मामू रियाज ने मुझे बदनसीब शमसा की कहानी सुनाई थी, इस वक्त वो इस जालिम शख्स के चुंगल में फंस चुकी थी। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, इकराम बोला। क्यों, यह अंदाज़ा कैसे हुआ? उसने कई बार अपने भाइयों का जिक्र किया है। अल्लाह जाने, मैंने बेचारगी से कहा। मगर वो आपको बिल्कुल नहीं पहचान सकी, इसकी वजह भी मेरे समझ में आ रही है, वो शायद जहनी दबाव का शिकार है। मैंने आपको मसूद भाई और इसे शमसा बहन कहकर पुकारा है, मगर वो इस बात पर भी नहीं चौंकी कि मैंने इसका नाम कैसे ले लिया। हाँ, शायद तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। आरजी तौर पर मेरे दिल में एक ख्याल आया था भैया। बताओ इकराम, मेरा दिमाग तो माउफ है, बताओ क्या करूँ? शमसा बहन, इस दौरान खुद आपको पहचान लें तो दूसरी बात है, आप खुद इन्हें कुछ न बताएं, हो सकता है इन पर कुछ जज्बाती असरात मुरतब हो जाएं। अब इन हालात में इन्हें यहाँ छोड़ना तो मुनासिब नहीं होगा, हम इन्हें खानकाह लिए चलते हैं, वहाँ इत्मीनान से सोचेंगे कि अब क्या करें। जैसा तुम मुनासिब समझो इकराम, आपको इख्तिलाफ तो नहीं है? नहीं, अब मुझे किसी बात से इख्तिलाफ नहीं है, मैंने कहा, और इकराम मुतमईन हो गया। इसके बाद मैंने सारे काम किए थे, इस मनहूस शख्स को बांध कर डाल दिया गया जिसने दोस्ती का भरम खोया था। शमसा का शोहर भी आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था, इसका नशा तो वैसे ही उतर चुका था। होश में आकर इसने वहशत ज़दा नज़रों से माहौल को देखा, फिर उठकर बैठ गया। कहाँ कहाँ गया वो? सब ठीक है फैज़ान, होश करो, सब ठीक है, अल्लाह ने मदद भेज दी फैज़ान, मेरे भाइयों ने मुझे बचा लिया। हाय फैज़ान, तुमने तो मुझे कहीं का न रखा था, मैं कहती थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसका भरोसा ना करो, मगर तुम ना माने। हाय फैज़ान, मुझे अल्लाह ने बचा लिया, शमसा रोते हुए बोली। बच्चे बच्चे, फैज़ान घुटे घुटे लहजे में बोला। अल्लाह का करम है, सो रहे हैं, एक नज़र देखा हूँ इन्हें, भैया अभी आई। शमसा कमरे के दरवाजे से निकल गई। फैज़ान ने लालटेन की रोशनी में माहौल को देखा, फिर इसकी नज़र अपने दोस्त पर पड़ी और वो उछलकर खड़ा हो गया। चंद कदम आगे बढ़कर इसके करीब पहुँचा, उसे देखता रहा, फिर हमारी तरफ देख कर कहा, इसे क्या हुआ? मारा है हमने, इकराम बोला। मर गया? नहीं, जिंदा है। कम असल है, ऐसे कहाँ मरेगा, फैज़ान ने कहा और उसे एक ठोकर रसीद कर दी। फिर वो हमारी तरफ मुड़कर बोला, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना बेकार है, शुक्रिया कोई इज्जतदार किसी इज्जतदार के एहसान का अदा करता है, मुझ जैसे बेगैरत आदमी ने अगर तुम्हारा शुक्रिया अदा कर भी दिया तो इस लफ्ज़ की भी तौहीन होगी, वो दागदार हो जाती तो और मुश्किल में डूब जाती, मैं उसे ना जीने देता, इतना ही जलील इंसान हूँ मैं। इकराम ने हैरान नज़रों से मुझे देखा, मैं खामोश रहा था। चंद लम्हात के बाद फैज़ान ने कहा, मगर तुम दोनों रहमत के फरिश्ते बनकर इस वक्त यहाँ कैसे आए, और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि? हम इधर से गुजर रहे थे कि हमें बहन की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भागना चाहती थी, हमने उस शख्स की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि अगर बाहर निकली तो वो बच्चों को गर्दन दबाकर मार देगा, बस हम अंदर घुस आए। कमीना कुत्ता, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को! फैज़ान बेकाबू होकर फिर अपने दोस्त की तरफ मुड़ा, लेकिन इकराम ने उसे कमर से पकड़ लिया। वो बेहोश है, जज्बाती होना बेकार है, अब ये बताओ भाई कि आगे क्या करना है? ये मेरा बहुत पुराना दोस्त था, बड़ा मान था मुझे इस पर, फैज़ान ने कहा। इसकी असलियत मालूम हो गई, अफसोस करना बेकार है,
तुम दोनों जिन रास्तों के राही थे वो अच्छे तो नहीं थे। हाँ एहसास हो गया, आखिर एहसास हो ही गया, मगर वो खामोश हो गया। कुछ देर के बाद बोला, यहीं के रहने वाले हो? हाँ, इकराम ने जवाब दिया। कुछ और रहम करोगे हम पर, 3 मासूम बच्चों और एक मजलूम औरत पर? इसकी आवाज़ में अजीब सी पेशेमानी थी। मजलूम औरत पर? तो क्या वो तुम्हारी बीवी नहीं है? है तो सही, अल्लाह के सामने तो मैंने यही इकरार किया था कि इसका महाफिज बनूंगा, मगर वादा पूरा नहीं किया मैंने। जो होना था वो हो चुका है, क्या कर सकता हूँ। जुल्म किए हैं मैंने इस पर, काश आंख न खुलती, इससे भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। झूठ समझेगी, कभी यकीन नहीं करेगी, कोई फ़ायदा नहीं, क्या कर सकूँगा इसके लिए, बेकार है। अरे हाँ, अपनी बात ले बैठा, तुमसे रहम की भीख मांग रहा था, अपनी कहानी सुनाने लगा। बोलो क्या चाहते हो? इससे तो दुश्मनी हो गई, अब इसके साथ तो रहा नहीं जा सकता, थोड़ी सी मदद कर दो, आर्जी तौर पर सर छुपाने की जगह दे दो, कुछ कमाने की कोशिश करूंगा, फिर यहाँ से कहीं और निकल जाऊंगा। ये मत समझना कि नेकी गली पड़ गई, मजबूरी है, छोटे बच्चों का साथ है, वरना कहीं और निकल लेता। बन सकती है कोई बात? किसी सराय वगैरह में रहोगे? इकराम ने पूछा। पैसे नहीं है, फैज़ान ने जवाब दिया। इसी वक्त शमसा वापस आ गई, फैज़ान को देखकर खौफजदा लहजे में बोली, छोटा जाग गया था, सुलाने में देर हो गई। फैज़ान ने आंखें झुका ली थीं। शमसा ने आगे बढ़कर पूछा, दर्द हो रहा है सर में, घाव गहरा है क्या? नहीं, ठीक हूँ। चलो फैज़ान, कुछ सामान हो तो उठा लो, इकराम ने कहा। इस बात पर मैंने भी चौंक कर इकराम को देखा था, इकराम ने सब कुछ संभाल लिया था, मेरी जहनी कैफियत जानता था और इसीलिए पूरे एतमाद के साथ अमल कर रहा था। वैसे भी वो बहुत जज्बाती हो गया था शमसा के लिए, और इसकी वजह भी मैं जानता था, खुद भी तो घायल था।